सब्सक्राइब कीजिए उदय भटनागर चैनल को और दबाइए इस बेल वाले आइकन को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं उदय भटनागर यूट्यूब चैनल। सो स्वागत है आपका एक और नई कमाल की वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से कहीं नमस्ते के थ्रू। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है अब, और उसके बाद आपको 16:9 का ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहले मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको कुछ बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करना है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो अब मैं उसको सिलेक्ट करके फिर बताता हूँ आपको। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो आप देख सकते हैं छोटा बड़ा हो रहा है। तो उसके लिए आपको इस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप वाला ऑप्शन दिख रहा है और इसको एंड पोजीशन और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को अपने हिसाब से सेट करके राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये आगे पीछे बड़ा नहीं होगा। उसके बाद आपको जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर। लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको अपनी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेनी है जो आपने रिकॉर्ड करी है। मैं जैसे ले लेता हूँ एक सैम्पल के लिए और इसको ओके कर देना है। अब जैसे मैं इसको लूँगा, अब मैं इसको कर दूँगा थोड़ा सा बड़ा अपने हिसाब से। बड़ा करने के बाद आपको कर देना है राइट। और आप जैसे देख सकते हैं अब हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको फिर से एक PNG को डाउनलोड कर लेना है फ़ोन की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको वो PNG सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये हमने ले लिया है। अब हम इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से वीडियो के स्क्रीन के मुताबिक। अब मैं इसको बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा और अब मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी तैयार हो चुका है फ़ोन की PNG। मैंने बहुत सारे फ़ोन के PNG दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने दे दिया है और उसके बाद देख सकते हैं आप हमने इसको सेट कर दिया अपने वीडियो के हिसाब से। आप अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल का नाम भी आए, टेक्स्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ से कुछ भी टेक्स्ट को लिख लेना है। जैसे मैं लिखूँगा उदय, जैसे मैंने लिख लिया है उदय भटनागर। तो अब मैं इसको ए वाले ऑप्शन पर जाऊँगा। ए वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इसको अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है राइट। अगर आपको कलर चेंज करना है आपको इसका, तो उसके लिए आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन पर और उसको कोई से भी कलर का कर लेना है और उसको कर देना है राइट। अब जैसे आप देख सकते हैं अब आप इसके एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस मैं आपको ये बता रहा था, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत आसान तरीका है अपने वीडियोज़ में PNG लगाने का। सारे जो भी मैंने इमेज यूज़ की हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका था, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।